नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम संवाद यानी जिसे हम अपनी साधारण भाषा में बातचीत कहते हैं उसे हम किस तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं उसी पर बात की गई है इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले संवाद में हमें टीचर और स्टूडेंट की बातें बोली हैं जिसमें जो बच्ची है वो अपनी नोटबुक भूल जाती है तो फिर वो किस तरीके से अपने टीचर से बात करती है वो बताया। तो देखो टीचर कहता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। फिर टीचर बोलती है कि पलक अपनी नोटबुक लेके आओ मेरे पास। तो पलक बोलती है सॉरी सर मैं अपनी नोटबुक घर पे भूल गई। सॉरी सर आई फॉरगॉट माय नोटबुक एट होम। तो टीचर कहते हैं डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया था। तो पलक बोलती है हाँ सर। तो टीचर बोलती है ठीक है फिर कल लेके आ जाना ओके देन ब्रिंग इट टुमारो। तो पलक बोलती है ओके सर थैंक यू सो मच। ठीक है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे करके हमने ये वाली एक्टिविटी देखी कि कैसे बातचीत हुई। अब एक्टिविटी में क्या बोला है माला व आसमा के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को पढ़ें तथा नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर उसे लिखें, यानी यहाँ पर इसको लिखना है जो ये बात है ना पूरी की पूरी इसे ही नकल करनी है जिसे। तो इसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या है मतलब टेलीफोन पर जो बात होती है और आज के ज़माने में वो फ़ोन पर बात होती है तो वही बात है कि कैसे बात करी हमने उसी को सुनना है। माला बोलती है हेलो आजमा हाउ आर यू। हेलो आजमा कैसी हो तुम। तो आजमा बोलती है आई एम गुड हाउ आर यू, मैं अच्छी हूँ तुम कैसी हो। तो माला बोलती है आई एम गुड टू व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। तो माला बोलती है कि मैं भी अच्छी हूँ तुम इन दिनों क्या कर रही हो। तो आजमा बोलती है माई फैमिली इज़ प्लानिंग टू गो टू मांडू फॉर अ वीक। मेरा जो परिवार है वो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम मांडू चले जाएं एक हफ्ते के लिए। तो माला बोलती है वाओ दैट इज़ नाइस वाओ ये कितना अच्छी बात है। तो आजमा बोलती है वुड यू लाइक टू कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। तो माला बोलती है ठीक है मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, पेरेंट्स यानी माता पिता से बात करती हूँ इस बारे में। तो आजमा बोलती है ओके बाय ठीक है बाय बाय। तो माला बोलती है बाय। ऐसे करके इनकी जो बात हुई इसकी आपको यहाँ पर नकल करनी है। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है ये हुई है दीपिका और एक ऑफिसर की, तो आइए इसे पढ़ते हैं। ठीक है दीपिका कहती है हेलो सर इज़ दिस द फायर स्टेशन। हेलो क्या मैंने जहाँ कॉल किया है ये फायर स्टेशन में कॉल हुआ है। फायर स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पे आग बुझाने के अधिकारी रहते हैं मतलब वो आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड सुना होगा है ना वही। तो ऑफिसर बोलती है यस प्लीज़ व्हाट्स द प्रॉब्लम। हाँ आपने सही जगह कॉल किया है आपको क्या समस्या है। तो दीपिका बोलती है आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड, मैं दीपिका हूँ जेल रोड से बात कर रही हूँ। तो ऑफिसर बोलता है यस प्लीज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। हाँ ठीक है क्या हुआ बताइए। तो दीपिका बोलती है माई नेबर्स हाउस इज़ ऑन फायर स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ द विंडोज़ द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प। मेरे पड़ोस का जो घर है उसमें आग लग गई है और धुआँ है वो खिड़कियों से बाहर आ रहा है और जो अंदर लोग रह गए हैं वो रो रहे हैं मदद के लिए। तो ऑफिसर बोलता है गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज़, कृपया मुझे एकदम निश्चित स्थान बताइए कि कहाँ पे हो रहा है प्लीज़। तो दीपिका बोलती है कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल गो स्ट्रेट ऑन टर्न लेफ्ट एंड इट्स द थर्ड हाउस ऑन योर राइट। तो दीपिका कहती है कि आप गांधी आई हॉस्पिटल पर आ जाइए सीधे जाइए गो स्ट्रेट ऑन फिर लेफ्ट मुड़ जाइए और फिर वहाँ से जो तीसरा घर आया आपके सीधे तरफ वही है ये घर। तो ऑफिसर बोलता है ऑल राइट वी आर जस्ट कमिंग टू द स्टाफ कम ऑन बॉयज वी मस्ट रीच इमीडिएटली। तो ठीक है हम आ रहे हैं। फिर वो अपने स्टाफ को बोल देता ऑफिसर कि चलो सभी लड़के चलो जल्दी से फौरन चलना है। तो इसकी आपको यहाँ पे नकल करनी है। तो ऐसे करके हमने आज तो बातचीत सीखी, पहले संवाद सीखा और फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी देखी। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।